एक ब्लॉक को हमने रिलीज किया, कहां से? यहां से। फ्रिक्शन नहीं है, स्लाइड करता हुआ ब्लॉक आया और ऐसे घूम के उसको सर्कल कंप्लीट करना है। पर मुझे तो गारंटी नहीं ना कि सर्कल पता नहीं हो कि ना हो, क्या पता हाइट ही बहुत कम हो इतनी सी, वो चार सर्कल क्या करेगा, बहुत ऊपर से आएगा सर्कल करेगा, तो कितनी हाइट रखूं कि एक चक्कर पूरा कर जाए, मिनिमम का केस है। तुमने जोर की नहीं करवाना, मिनिमम बस एक चक्कर पूरा हो जाए, तो मतलब तुम्हारी ये हेडेक है कि यहां पर वेलोसिटी जीरो ना हो जाए, कम से कम रूट जीएल रहे, रूट जीआर रहे। तो अगर ये रूट जीआर रहे तो ये क्या रहे, रूट फाइव जीआर रहे। तो आपको एच निकालना है। सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम ज्यादातर सॉल्व होने वाली है एनर्जी कंजर्वेशन से, ये तो लगेगा ही लगेगा हर में। आपको अगर एक वेलोसिटी पता है और दूसरी निकालनी है तो एनर्जी कंजर्वेशन लगती है। नेक्स्ट टाइम ये सिखाना है मैंने। तो जैसे इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर टोटल सम ऑफ पोटेंशियल काइनेटिक सेम रहेगा, या इस पॉइंट और इस पॉइंट पर भी सेम रहेगा, इस पे भी सेम रहेगा, जहां मर्जी लगा दो, कोई दो पॉइंट पकड़ लो, क्योंकि मैंने हाइट h निकालनी है तो मैं ये पॉइंट पकड़ूंगा। तो सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक वन पॉइंट पर, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक टू पॉइंट पर विल रिमेन सेम। इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, mgh, काइनेटिक क्या है, जीरो, उसको ड्रॉप किया, u जीरो। इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, जीरो, काइनेटिक क्या है, हाफ m, और वेलोसिटी कम से कम क्या होने चाहिए सर्कल के, रूट अंडर रूट ऑफ 5 gr। स्क्वेयरिंग सॉल्व h आंसर।